गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है आप लोग का? सब लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना? ठीक। तो हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिए हैं, है ना? अच्छे से पढ़ लिए हैं। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसमें हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिए ना? ठीक। तो अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। और हम कौन से क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट कहते हैं जो एग्जाम में या तो बहुत बार पूछा जा चुका है या फिर जिसके आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, फिर से वही बात है कि ये दो क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है और इसके आने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू हर्बी बोर हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निबोर। हर्बी बोर और कार्निबोर, ठीक है। तो हर्बी बोर में स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब लॉन्गर होता है कार्निवोर के मुकाबले। आ रहा है समझ में? स्मॉल इंटेस्टाइन समझ रहे हो ना? तो हर्बी बोर में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई है, हर्बी बोर में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई है वो कार्निवोर से ज़्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई हर्बी बोर में ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हर्बी बोर में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई हर्बी बोर में ज़्यादा होता है कार्नी बोर के मुकाबले। तो क्वेश्चन है क्यों? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। वाई डू हर्बी बोर हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन द कार्नी बोर। आंसर है, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई किस बात पे डिपेंड करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई किस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या फूड कंज्यूम करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन भी और एब्जॉर्प्शन भी, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। ठीक है, फूड का डाइजेशन होना है, फाइनल डाइजेशन होना है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सब देख चुके हम लोग। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या खाता है उस पर डिपेंड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई। अच्छा, हर्बी बोर नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। हर्बी बोर क्या खाएगा? प्लांट बेस्ड फूड। हर्बी बोर क्या खाएगा? प्लांट बेस्ड फूड। और प्लांट में क्या होता है? सेलुलोज होता है ना, प्लांट में सेल वॉल होता है। ठीक है, प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल। प्लांट सेल, एनिमल सेल पता है ना, प्लांट सेल एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है? सेल वॉल। एनिमल सेल में नहीं होता है ना। तो मान लो कोई प्लांट बेस्ड फूड खाया तो वो क्या खाया फूड में उसके, वो और क्या खाया? सेल वॉल। आ रहा है समझ में? मान लो कि कोई प्लांट बेस्ड फूड खा रहा है, ओके, तो उसमें क्या है? सेल वॉल है। और कार्निवोर, पर कार्निवोर क्या खाता है? मांस। तो वो तो एनिमल से आया है, मांस कहाँ से आया? एनिमल से। एनिमल में तो सेल वॉल नहीं होता ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है, हर्बी बोर नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। हर्बी बोर क्या खा रहा? प्लांट बेस्ड फूड। और प्लांट बेस्ड फूड में क्या है? सेल वॉल। और इसको डाइजेस्ट करना, इसको डाइजेस्ट करना क्या है? टफ है। सेल वॉल को, सेल वॉल में क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करना क्या है? टफ है। और जो मीट है, मीट में तो सेल वॉल नहीं है ना, इसलिए मीट को डाइजेस्ट करना आसान है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हिंस कार्निवोर लाइक टाइगर हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हर्बी बोर का स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है। हर्बी बोर का स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा क्यों? क्योंकि हर्बी बोर क्या खा रहा? प्लांट बोल ले थोड़ी देर के लिए। हर्बी बोर क्या खा रहा? प्लांट बेस्ड फूड। और प्लांट बेस्ड फूड में क्या है? सेल वॉल, सेलुलोज। और सेलुलोज को डाइजेस्ट करना टफ है। तो जितना लंबा रहेगा उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा डाइजेस्ट करने के लिए। और कार्निवोर क्या खा रहा? मीट खा रहा। तो मीट में तो सेलुलोज नहीं होता ना, सेल वॉल नहीं होता, सेलुलोज नहीं होता, तो उसको डाइजेस्ट करना आसान है। तो आप बोल लोगे कि हर्बीवोर को, हर्बीवोर का
स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा? लंबा, क्योंकि उसको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है, और कार्निवोर को मीट डाइजेस्ट करना है, मीट में नो सेलुलोज। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल हैड हिज गॉल ब्लैडर रिमूव्ड एंड नीड अ स्पेशल डाइट। अब देखो, अगर आप ये सब वीडियो देख रहे हो क्वेश्चन वाला, तो ज़रूरी है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है ना, आप या तो इस चैनल पे वीडियो है आप वो देखे हो, या फिर पहले से आप लाइफ प्रोसेस पढ़े हो, तो ही फिर ये सब क्वेश्चन है ना समझ में आएगा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा, जरा बताओ। जैसे अगला क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है हॉस्पिटल में जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया। अब जिनको नहीं पता गॉल ब्लैडर क्या होता है, तो इसका आंसर कैसे लिख पाएंगे, है ना? तो एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है, ठीक होता है ना गॉल ब्लैडर, उसमें क्या होता है, कभी कभी किसी को पथरी हो जाता है, तो या फिर कुछ और आ गया दिक्कत, तो कभी कभी रिमूव करना पड़ता है गॉल ब्लैडर। आप सुने होंगे कि कुछ लोगों का गॉल ब्लैडर रिमूव किया गया, तो ऐसा ही कोई केस है कि किसी पेशेंट का गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया, तो अब उसको कैसा फूड उसके लिए सही है, यह है क्वेश्चन। विच न्यूट्रिएंट फ्री डाइट, कि उसके फूड में क्या नहीं होना चाहिए, विच न्यूट्रिएंट फ्री क्या नहीं होना चाहिए। तो गॉल ब्लैडर क्या रिलीज करता है, गॉल ब्लैडर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। बाइल जूस में क्या होता है, बाइल सॉल्ट। बाइल जूस में क्या होता है, बाइल सॉल्ट, और बाइल सॉल्ट क्या डाइजेस्ट करता है, फैट। लेकिन उसका तो गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया, उस पेशेंट का गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है ना, तो फैट कैसे डाइजेस्ट होगा बताओ, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया गया तो फैट कैसे डाइजेस्ट होगा, तो अब उसको कैसा खाना खाना चाहिए बताओ। द डाइट फ्री फ्रॉम फैट, उसको कैसा खाना खाना चाहिए जिस डाइट में फैट कम हो। आ रहा है समझ में? द डाइट फ्री फ्रॉम फैट वुड बी सुटेबल फॉर द पेशेंट हुज गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड बिकॉज बाइल जूस स्टोर इन गॉल ब्लैडर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। क्योंकि ये बाइल जूस ही तो था, ये बाइल जूस ही था जो क्या कर रहा था, जो डाइजेशन कर रहा था फैट का। आ रहा है समझ में? तो ये दो क्वेश्चन हम लोग देखे जो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ प्रोसेस काफ़ी लंबा चैप्टर है, लगभग आप समझ सकते हो लाइफ प्रोसेस जो ये चैप्टर, इसमें चार चैप्टर है। तो हम लोग न्यूट्रिशन देख लिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिए, तो आप लोग कमेंट करके बताना, तो आपका कमेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके अनुसार डिसीजन लेंगे कि अगला रेस्पिरेशन स्टार्ट करें या फिर लाइट चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। तो बताना आप लोग, वैसे ही हम मतलब अगला वीडियो लाएंगे।